मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की पहली बैठक होने वाली है कांग्रेस की। 29 जून को 3 सदस्यीय कमेटी करेगी हाल की समीक्षा और तीनों सदस्य लोकसभा प्रत्याशियों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। 30 जून को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की होगी बैठक और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी बैठक में रहेंगे मौजूद। एमपी में कांग्रेस को नए सिरे से तैयार करने के लिए बनेगा रोडमैप। मैं आपको बता दूं कि 19 जून को ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दे दी थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर, उसके काम को लेकर, और अब मध्य प्रदेश में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक होने वाली है, समीक्षा होने वाली है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के तीनों सदस्य पृथ्वीराज चौहान, सप्तागिरी उल्का और जिग्नेश मेवाणी 28 जून की शाम को भोपाल पहुंचेंगे और 29 जून को कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे। तीनों सदस्य एमपी की हार, लोकसभा में जो हार मिली है उसको लेकर समीक्षा करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है और अब वो वर्क करने वाली है। एमपी में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की पहली बैठक, 29 जून को 3 सदस्यीय कमेटी करेगी हार की समीक्षा। क्या कुछ अपडेट्स है इस बैठक पर, उसके लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी विवेक पांडे का, जुड़ गए मेरे साथ। विवेक, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस की एक पहल की तरह देखी जा सकती है जो बेहद जरूरी भी हो जाती है, जिस तरीके की हार मध्य प्रदेश में हाथ लगी है कांग्रेस की, क्या कुछ जिम्मेदारी रहने वाली है इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की? देखिए, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जिग्नेश मेवाणी भी साथ में मौजूद रहेंगे और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पूरा सफाया हो चुका लोकसभा चुनाव में और उससे पहले विधानसभा के चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, ऐसे में कई पार्टी के नेताओं पर भी आरोप लगे, तो इन आरोपों की तमाम सारी जाँच पड़ताल के लिए ये एक टीम बनाई गई है और 29 जून को ये बैठक होगी। सबसे पहले जिग्नेश मेवाणी और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर भोपाल पहुँचेंगे तो जीतू पटवारी और कांग्रेस के कई नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आखिर 29 की 29 सीटों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों रहा, इसकी चर्चा की जाएगी और 30 जून को तमाम सारे प्रत्याशी जो 27 के 27 हैं उनसे चर्चा की जाएगी, आखिर कहां पे कमजोरी रही कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश से इतनी बुरी निराशा हाथ लगी। और इसी के साथ साथ ये पूरी रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग की पूरी रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी जाएगी, लेकिन उसके बाद 30 तारीख को एक पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक है। पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में तमाम सारे कांग्रेस के बड़े नेता यहां मौजूद रहेंगे, कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में क्या क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में आखिर क्या क्या सिफारिशें हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये आप मानिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक उपचुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ जीतू पटवारी के सामने ये चुनौती है कि कांग्रेस को एक नए सिरे से तैयार किया जाए क्योंकि कांग्रेस का कैडर जो है पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है पिछले 2 चुनाव में हारने के बाद। बिल्कुल, सीधा प्रत्याशियों से बातचीत करेगी और समीक्षा करेगी कांग्रेस पार्टी। इस अपडेट के लिए शुक्रिया, लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि एक और खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है, नरसिंह फर्जीवाड़े से जुड़ी ये बड़ी खबर है। प्रभावित छात्रों की सरकार कराएगी परीक्षा, अक्टूबर महीने में होगी ये परीक्षा और 1,00,000 छात्र होंगे इस परीक्षा में शामिल। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं और परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय जारी करेगा कैलेंडर। ये नरसिंह फर्जीवाड़े में जो प्रभावित छात्र हैं उनके लिए राहत भरी खबर मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है कि प्रभावित छात्रों की सरकार अब परीक्षा करवाने वाली है। अक्टूबर महीने में ये परीक्षा करवाई जाएगी, 1,00,000 छात्र इसमें शामिल होंगे। वो प्रभावित छात्र, तमाम प्रभावित छात्र इस परीक्षा को दे सकेंगे और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फिर से रुक करूंगी मेरे सहयोगी विवेक पांडे का, लगातार बने हुए मेरे साथ। विवेक, नर्सिंग फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है मध्य प्रदेश में और उससे कई छात्र भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन यह राहत भरी खबर मिल रही है, क्या जानकारी है इस पर? देखिए अंजलि, नरसिंह फर्जीवाड़े ने मध्य प्रदेश को काफ़ी ज़्यादा दागदार किया है, खासतौर पे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो ऐसे में सरकार ने ये फैसला किया है कि जो इस 2020 से लेकर 2021-22 के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा कराई जाएगी। और कल जब डिप्टी सीएम ने इसकी समीक्षा की तो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगस्त महीने में इसकी पूरी तैयारी की जाए, अगस्त महीने में ही इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। करीब 1,00,000 से अधिक छात्र इस पूरी परीक्षा में शामिल होंगे। उनकी जो 3 साल खराब हुए हैं इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर, सरकार अब उसको सुधारने की कवायद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस फर्जीवाड़े से जुड़े हुए अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों देखने के लिए चंद्रकला दिग्विजय और सुनीता सीजू को बर्खास्त करने के सरकार
ने आदेश दिए और बाकायदा और भी कई अधिकारियों के नाम जो सामने आ रहे थे उनको नोटिस देकर जवाब तलब किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में सरकार काफ़ी ज़्यादा बदनाम हुई है। पूरे देश भर में नर्सिंग फर्जीवाड़े को लेकर चर्चा हुई और सरकार सवालों के घेरे में आई और यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी CBI भी रिश्वत कांड में फंस गई। तो ऐसे में जब छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि पूरा कैलेंडर तैयार कर लिया जाए, परीक्षा की डेट कौन कौन सी होगी, क्योंकि अगस्त महीने में ही ये पूरी परीक्षा का आयोजन किया जाना है और इसमें करीब 1 लाख से अधिक जो छात्र हैं जो पिछले दो से तीन साल तक बिना परीक्षा के बैठे रहे, उन तमाम छात्रों को सरकार अब परीक्षा के जरिए उनको बिल्कुल नर्सिंग फर्जीवाड़े में लगातार एक्शन तो लिए ही जा रहे हैं, लेकिन जो छात्र इंतजार कर रहे थे उनके इंतजार को भी अब जवाब दिया है सरकार ने। उनके लिए राहत भरी खबर है कि अब उनकी भी परीक्षा करवाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका। और अब अगली खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। आज छत्तीसगढ़ आएंगे नितिन नवीन, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर करेंगे रायशुमारी, बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं नितिन नवीन और कई विषयों पर हो सकती है चर्चा। तो देखिए जहां मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद अब तेज हो गई है, उसी बीच प्रभारी नितिन नवीन पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रायशुमारी का दौर चलने वाला है, क्योंकि मंत्री पद बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के साथ ही दो खाली हो गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, दो मंत्री पद खाली है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजरें टिकी है और उसको देखते हुए ये दौरा बेहद अहम हो जाता है नितिन नवीन का। बीजेपी नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, कई विषयों पर हो सकती है चर्चा। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, मेरे सहयोगी नितेश गर्ग जुड़ गए हैं मेरे साथ सीधा रायपुर से। नितेश, नितिन नवीन का दौरा ये कितना खास और खासकर तब जब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है? बिल्कुल अंजलि, नितिन नवीन का दौरा है, प्रभारी हैं वो, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई और जब जब दी गई उन्होंने बखूबी निभाया है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की जीत हो चाहे वो फिर लोकसभा चुनाव की जीत हो और फिर अन्य जिम्मेदारियां जो भी संगठन स्तर की दी गई हैं, आज वो आ रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार की जो तमाम खबरें चल रही हैं विस्तार न्यूज़ भी बता रहा है और आज उनकी बैठक है जो कि इस बीच में बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है और ये बैठक कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगी। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं ये सभी मौजूद रहेंगे और मेन सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी मना रही है उसे लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही तमाम जो संगठन स्तर के जो जिम्मेदारियां हैं उनको लेकर होगा और जो जीत के बाद तमाम समीक्षाएं हुई थी, क्लस्टर लेवल की बैठक हुई थी, उन बैठकों का क्या हुआ, आगे की कार्य योजना क्या बनी, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर विशेष तौर पर फोकस रहेगा अंजलि। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो यहाँ पर चर्चा की बात नहीं है, वो जो ऊपर से निर्णय आएगा, लेकिन यहाँ पर बैठकर अगर जो नाम होंगे या जो भी उस संदर्भ में चर्चाएं होती हैं तो वो होंगी, लेकिन मुख्यतः इनका ये है कि आगामी संगठन को किस तरह से बढ़ाया जाए। जिस तरह से कांग्रेस एग्रेसिव हो रही है, सत्र आने वाला है उसको लेकर होगा। कांग्रेस लगातार जमीन पर दिखाई देने की कोशिश कर रही है, कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, उनका काउंटर कैसे किया जाए, तो ये सारे प्रमुख विषय होंगे जिन पर चर्चा होगी, जो लगातार विस्तार न्यूज बताता रहेगा। बिल्कुल नितेश, तो समीक्षा भी मुद्दा रहने वाला है इस बैठक का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब अगली बड़ी खबर दिल्ली से। देखिए लोकसभा स्पीकर पद का आज चुनाव होना है और ओम बिरला NDA के उम्मीदवार है, तो वहीं के सुरेश विपक्ष से प्रत्याशी बनाए गए हैं इस चुनाव को देखते हुए। और बीजेपी ने चुनाव के लिए विप भी जारी कर दिया है, कांग्रेस ने भी जारी कर दिया और सुबह 11 बजे ही ये चुनाव होगा। तो देखिए ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि लोकसभा स्पीकर पद का आज चुनाव होना है। लोकसभा स्पीकर का पद बेहद अहम हो जाता है और उसको लेकर दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत लगा रखी थी। वैसे तो विपक्ष की मांग की थी कि डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाए, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पाई और उसी को देखते हुए जहां NDA की तरफ से ओम बिरला प्रत्याशी है, तो वहीं के सुरेश को विपक्ष ने, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। केरल से सांसद हैं के सुरेश और बीजेपी ने चुनाव के लिए विप भी जारी कर दिया है। सुबह 11 बजे ये चुनाव होगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट लोकसभा स्पीकर पद को देखते हुए। आज चुनाव होना है, संसद में बेहद अहम हो जाता है ये पद और इसको देखते हुए ओम बिरला NDA की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने केरल से सांसद के सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर कि अब तक 7 सांसदों ने नहीं ली है शपथ। ये इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि स्पीकर चुनाव में अब वो वोट नहीं दे पाएंगे। और ये 7 सांसद कौन कौन से हैं,
टीएमसी के 3 सांसद हैं, कांग्रेस और एसपी के 1-1 सांसद, तो वहीं 2 निर्दलीय सांसदों ने भी अभी तक शपथ नहीं ली है। और जहां आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव है, बेहद अहम चुनाव है, बहुमत जिसे मिलेगी वो लोकसभा स्पीकर की गद्दी पर बैठेगा, उसको देखते हुए ये 7 सांसद वोट नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है आंकड़ों पर। स्पीकर चुनाव में नहीं दे पाएंगे ये लोग वोट, और टीएमसी 3, कांग्रेस और एसपी के 1-1 सांसद, वहीं 2 निर्दलीय सांसद इन 7 सांसदों में शामिल है जिन्होंने अपनी शपथ नहीं ली है, इसीलिए ये स्पीकर चुनाव में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। थोड़ी देर पहले, इससे पहले मैं आपको जानकारी दे रही थी कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव है आज, संसद में बेहद खास दिन है और ऐसे में विप भी जारी कर दी गई है और तमाम सांसद जो है वो वहां पहुंचेंगे, चुनाव में हिस्सा लेंगे, अपना वोट डालेंगे, लेकिन 7 सांसद जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है वो इस चुनाव में वोट भी नहीं डाल पाएंगे। टीएमसी के 3 है, कांग्रेस के 1, एसपी के 1, वहीं 2 निर्दलीय सांसदों ने जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है वो नहीं डाल पाएंगे वोट, तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को असर भी पड़ सकता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी दिल्ली से राकेश चौधरी, सीधा फोन कॉल पर जुड़े हैं मेरे साथ। राकेश, ये निकल कर आ रहा है कि एक तरफ तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव है तो वहीं 7 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी अपनी शपथ नहीं ली है, तो अब वो वोट के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, इससे कितना असर पड़ेगा? जी अंजलि, इससे ज्यादा ही असर पड़ेगा क्योंकि नंबर गेम का पूरा खेल है जी। आजकल देखिए कि लोकसभा स्पीकर के लिए जो है विपक्ष ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन इस बार के चुनाव को विपक्ष ने उम्मीदवार भी बनाया जी। और विपक्ष के पास जो ये 240 का नंबर है, इसमें ममता बनर्जी के भी सांसद है जी। और साथ ही साथ अलग हुए 7 सांसद है जिन्होंने वोटिंग नहीं की है, मतलब वो पात्र ही नहीं है कि वो वोटिंग कर सके जी। तो इस मामले में एनडीए को तो बढ़त है, बिरला स्पीकर बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन परंपरा जो पहले किसान संबंध से जो है डिस्कशन का भाव होता है, डिस्कशन का पक्ष जो है विपक्ष पार जाए, इस बार उसमें थोड़ा खेल देखने को मिला है और सारा पब्लिक नंबर का। बिल्कुल राकेश, जो 7 सांसद हैं वो 7 सांसद ही विपक्ष के लिए कारगर साबित होते हैं और एनडीए को बढ़त मिल सकती है इससे, क्योंकि टीएमसी, एसपी, कांग्रेस और निर्दलीय ये सभी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए काम करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस अपडेट्स के लिए। अगली बड़ी खबर सीएम विष्णुदेव साय के दौरे से जुड़ी हुई, दिल्ली दौरे पर हैं सीएम विष्णुदेव साय। सीएम साय ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर उनकी चर्चा भी हुई है, और इसी के बाद आज राजधानी रायपुर लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। ये तस्वीरें दिखा रही हैं आपको जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम विष्णुदेव साय की। तो दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय हैं और दिल्ली में मुलाकात हुई उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई और इसी के बाद आज राजधानी रायपुर लौटेंगे सीएम साय। और अगली बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, आज मीसा बंदियों का सीएम हाउस में होगा सम्मान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने वाले हैं और आपातकाल में मीसा के शिकार लोगों से सीएम हाउस में मिलेंगे। तो देखिए ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं, 25 जून की तारीख भारतीय जनता पार्टी ने जोरों शोरों से मनाया है इस दिन को। संविधान पे सवाल खड़े करते हुए विपक्ष पर हमला बोला भारतीय जनता पार्टी ने, आपातकाल पर सवाल खड़े किए और उसको देखते हुए आज मीसा बंदियों का सीएम हाउस में सम्मान भी होना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करेंगे और आपातकाल में मीसा के शिकार लोगों से सीएम हाउस में वो मिलने भी वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी 25 जून 50 साल पूरे होने के बाद, आपातकाल के पूरे होने के बाद के अगले दिन ये सम्मान समारोह मीसा बंदियों के लिए रखा गया है। और इसी तरीके का सम्मान समारोह रायपुर में भी रखा है। सीएम विष्णुदेव साय ने मीसा बंदियों को किया आमंत्रित। छत्तीसगढ़ के कई मीसा बंदियों के साथ सीएम आज भोज करेंगे। सीएम हाउस में मीसा बंदियों को करेंगे सम्मानित और कार्यक्रम में प्रदेश भर के मीसा बंदी शामिल होने वाले हैं। तो आमंत्रित कर लिया है मीसा बंदियों को, लोकतंत्र के सेनानियों को, ठीक उसी तरह जिस तरीके से सम्मान समारोह मध्य प्रदेश में रखा गया है उसी तरीके से सम्मान समारोह मीसा बंदियों के लिए छत्तीसगढ़ में भी रख रही है सरकार। सीएम विष्णुदेव साय ने मीसा बंदियों को इसके लिए आमंत्रित किया है और कई मीसा बंदियों के साथ सीएम विष्णुदेव साय भोज भी करने वाले हैं।
और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से, बीजेपी करेगी मतदाताओं का अभिनंदन। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये अभिनंदन करने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है। 27 जून से 14 जुलाई तक होंगे हर विधानसभा में कार्यक्रम और संजय श्रीवास्तव होंगे समिति के संयोजक। तो समिति का भी गठन किया गया है, संयोजक बनाया गया है संजय श्रीवास्तव को, और भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं का अभिनंदन करने वाली है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी अपडेट मिल रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार के नतीजे कहीं ना कहीं भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में गए हैं पूरी तरीके से। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अभिनंदन का ये विशेष कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। 27 जून से 14 जुलाई तक होंगे हर विधानसभा में कार्यक्रम और संजय श्रीवास्तव को समिति का संयोजक बनाया गया है। और आज राजधानी रायपुर में देर शाम यूथ कांग्रेस ने टॉर्च मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में टॉर्च लिए नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी का विरोध जताया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं। यूथ कांग्रेस का टॉर्च मार्च नगर निगम गार्डन से शुरू होकर भाजपा जिला कार्यालय एकात्मक परिसर जाने वाला था, लेकिन बीच रास्ते में ही राजीव गांधी चौक के पास पुलिस ने रोक लिया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि अंधेरे में खोए हुए नीट गड़बड़ी मामले के अपराधी को खोजने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हैं और जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो टॉर्च मार्च निकाली कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में विरोध करते हुए नीट गड़बड़ी का। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में टॉर्च लिए नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी का विरोध जताते हुए टॉर्च मार्च करते हुए नजर आए। वहीं अगली खबर जांजगीर से। जांजगीर के ऑडिटोरियम में नए कानून कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप, अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास गड़ेवाल, कलेक्टर आकाश छिकारा, एसपी विवेक शुक्ला मौजूद रहे। इस बीच नवीन कानून को लेकर चर्चा भी की गई और प्रावधानों की जानकारी दी गई। शासन के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता ये लागू की जा रही हैं, जिसकी तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही थी। इसी संबंध में समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने, उन्हें जो नए उपबंध लागू हो रहे हैं, नए प्रावधान किए जा रहे हैं, उसके संबंध में लोगों को जानकारी रहे, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, इसके लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। केंद्र ने जो प्रस्ताव भेजा है जो 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, छत्तीसगढ़ के में ही अपन निहित हैं, पर मुख्य विषय यह है कि भाई दंड संहिता को न्याय संहिता बनाया गया है, पर न्याय नागरिकों को कितना मिलता है यह देखना है, यह महत्वपूर्ण विषय है। वहीं अगली खबर मुरैना से। मुरैना में ग्रामीणों ने सचिव को हटाने की मांग की है, जिसके चलते ग्रामीण शिकायत लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और जन सुनवाई में सचिव के खिलाफ शिकायत की। इस बीच महिलाओं ने कहा कि ना तो पेंशन मिल रही है ना ही राशन। वहीं सरपंच ने भी बताया कि सचिव फोन पर धमकी देता रहता है और कोई काम भी नहीं करता है, जिससे परेशान होकर सभी ग्रामीणों ने प्रभारी कलेक्टर और सीईओ को ज्ञापन देकर सचिव को हटाने की मांग की है। ये खबर मुरैना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीणों ने सचिव के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।